पठानकोट में पानी की समस्या काफी लंबे समय से चल रही है, जिसके कारण पठानकोट के लोगों को काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लगभग एक महीने पहले भी शहर में करीब 7 ट्यूबवेल खराब हो चुके थे। तब कांग्रेस विधायक अमित विज और मेयर अनिल वासुदेव की ओर से प्रेस वार्ता करके बताया गया था कि उनकी ओर से निगम में 10 मोटर स्पेयर रखी गई हैं, जिसके बावजूद पानी की समस्याएं 3 दिन से लोगों को परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इस बारे में लोगों ने बातचीत करने पर बताया कि उनके घरों में काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के मौसम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व भाजपा की लड़ाई के चलते आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी पानी की समस्या का हल नहीं किया तो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, गर्मी का सीजन है और हम पानी के बिना पानी के एक एक बूंद को तरस रहे हैं। ये कमेटी वालों का ड्यूटी होती है कि साफ पानी जो है मुहैया करवाए, पर यहाँ पर बिल्कुल एक बूंद पानी के लिए हमसे हर प्रकार का टैक्स ले जाता है, सारे टैक्स हम देते हैं, उसके बावजूद हमें जो है पानी नहीं मिल रहा है। अगर आप बताओ, आपके कांग्रेस की और ये बीजेपी की लड़ाई है तो आप अपने ऑफिस में सॉल्व करिए, पर हम जनता तो क्या चाहती है, साफ पानी चाहती है, हमें मिलना चाहिए और इसके लिए हम कोई भी प्रदर्शन करने को तैयार। सरकार में तो हम लोग पीस रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, रेत वाला पानी मिल रहा था, अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। गर्मियों में हम कहाँ जाएं, बच्चे घर में रो रहे हैं और कहीं दूर दूर से हम भागते फिरते हैं पानी के लिए, और लोगों के दरवाजे खड़काते हैं, किसी से कोई देता भी नहीं है, जिनके है थोड़ा वो देता भी नहीं है। हम तो बहुत परेशान हैं, हम कुछ कोई भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। जब हम वोटें मांगते हैं तो हमें तंग करते हैं, हम दरवाजे भी खुलवाते हैं, हम घर में भी आते हैं भी हमें वोटें दो। हम तो हमें सभी परिवार को तब पैरों के हाथ में लगाने को भी तैयार होते हैं, जब हम जाते हैं तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। 7 मोटरों का ऐलान तो बार बार न्यूज पेपर में आ रहा है, लेकिन 7 मोटरों को हम क्या करें, हमें तो एक भी नहीं मिल रहा, हमें तो एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा। हम 7 मोटर हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार में, लेकिन न्यूज पेपर तक ही सीमित है ना, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। न्यूज पेपर में अपनी कुछ इलाकों में पानी की समस्या आ रही है, जिसे भी जल्द हल कर दिया जाएगा। इस वक्त शहर के विच लगभग पानी की सप्लाई का काम ठीक है, जिथे कभी भी मोटर की खराबी आती है, अजकल विशेष करके एक जगह के ऊपर मोटर की खराबी चल रही है और पंद्रोए एरिए टैंकर की सप्लाई जा रही है, ट्यूबवैल भी अब शाम को चल पाएगा। असी अपने अधिकारियों भी वर्करस में भी सबनों हिदायत की है कि इसलिए जिते भी कोई खराबी ऐसी आती है, क्योंकि कई बार मोटर ज़्यादा चलती है और ज़्यादा चलन के कारण भी खराबी आ जाती है और आती है, उत्थे टैंकर के नाल सप्लाई और रिपेयर करके दोबारा चलाने का काम दोनों बली तेज़ गति दे नाल होन, ये असी सारे इंश्योर करने के लगे हैं। इसी कारण साढ़े कार्यकर्ता की और अधिकारियों की क्रियाशीलता के कारण मैं समझना कि प्रॉब्लम घट है, कितने ना कि प्रॉब्लम आती है। जिहड़ी दूसरी वड्डी प्रॉब्लम आ रही है वो लीक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, नवे ट्यूबवैल चलन के कारण कई जगह के उपर लीकां नज़र आ रही है और उन्होंने ठीक करन दे विच भी काफ़ी साड़ी लेबर जी है वो लग रही है। मैं ऐसा लगता है कि जिसलिए लीकां भी ठीक हो गई हैं, पानी की सप्लाई लगभग शहर के अंदर ठीक है। गर्मियों को लैके जिहड़े अधिकारी एक जेई की डेडिकेटेड ड्यूटी हैगी वाटर सप्लाई के, वो पूरी सहायक टीम है और उन्होंने एरिया वंडे है और विशेष करके आग्रह हैगा कि ये बारे में पूरी मुस्तैदी वरती जाए ताकि खराबी जल्दी तो जल्दी ठीक करिए और असी लीक जल्दी तो जल्दी ठीक करिए ताकि लोगों को पानी रेगुलरली मिलता। जागती लड़के लिए पठान से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।